गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा राष्ट्र निर्माण की जो अभिप्राय है उसका क्या अर्थ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसमें हमने पढ़ा गांधी जी की जो दृष्टिकोण है, नेहरू जी की दृष्टिकोण है उसे हमने पढ़ा। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा भारत विभाजन के कारण व उसके विभाजन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम निकले। तो परिणाम ये निकला कि जो अहिंसा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है शरणार्थियों की समस्या पैदा हो गई कि उनको किस तरह से, जो भारत के कुछ व्यक्ति थे, जो जनता थी, वो मुस्लिम वर्ग पाकिस्तान की ओर चले गई और पाकिस्तान की जो हिंदू जनता थी वो भारत की ओर आ गई। तो उनको शरणार्थी, उनको शरण स्थान देने की जो समस्या है वो पैदा हुई। उसके बाद भारत विभाजन की प्रक्रिया की जो दूसरी समस्या थी, कश्मीर की समस्या थी कि कश्मीर किसके अधिकार में होगा, भारत के या पाकिस्तान के। चूँकि उस समय जो माउंटबेटन जो प्लान था उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो देसी रजवाड़े हैं वो चाहे तो भारत में मिल जाएं, या चाहे तो पाकिस्तान में विलीन हो जाएं, या चाहे तो स्वतंत्र रूप से वो अपना राज्य निर्वाह करें। लेकिन इसके बाद जो रजवाड़े की जो समस्या है वो उत्पन्न हुआ और कुछ रजवाड़े जो हैं वो भारत में आकर शामिल हो गए और कुछ जो है वो पाकिस्तान की ओर चले गए। लेकिन कश्मीर जो था वो अलग रहा, स्वतंत्र रहा। लेकिन कश्मीर को पाकिस्तान अपनी ओर लेना चाहता था, लेकिन कश्मीर जो है, कश्मीर के राजा जो थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने पाकिस्तान में मिलने से मना किया। तो उनके ऊपर हमला किया गया, ज़बरदस्ती उनके कबीलों पर हमला करवाया गया और ज़बरदस्ती उसे अपनी ओर हथियाने की कोशिश किया गया। लेकिन कश्मीर जो है, कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने भारत में विलीन होने का फैसला लिया। इस तरह से कश्मीर की जो समस्या है वो पैदा हुई और ये कश्मीर जो समस्या है वो अभी तक चल ही रहा है, इसका समापन नहीं हुआ है। भारत के विभाजन के कारण राज्यों का जो पुनर्गठन था इसकी समस्या पैदा हुई कि राज्यों का पुनर्गठन किस क्षेत्र में, किनको बसाया जाए, किस कैसे इनका पुनर्गठन किया जाए, इसका समस्या उत्पन्न हुआ। भारत विभाजन के कारण जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, धर्म के नाम पर यहाँ पे दंगे फसाद होने लगे। भारत विभाजन के कारण लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिसे शरणार्थी कहा जाता है। जब इस व्यक्ति जो है, जो जनता है जो है, दंगे फसाद की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, अपने घर अपनी संपत्ति को छोड़कर वो उनको जाना पड़ा और उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, से शरणार्थी कहा गया और उनको बसाने की एक समस्या जो भी है उत्पन्न हुई। भारत एवं पाकिस्तान से बहुत बड़ी जनसंख्या एक देश से दूसरे देश में पलायन करने लगी, है ना। भारत के जो हिंदू जनता थी वो भारत की जो मुस्लिम वर्ग के जो व्यक्ति थे वो पाकिस्तान की ओर जाने लगे और जो पाकिस्तान में कुछ हिंदू थे और सिख जो थे वो भारत की ओर आने लगे, वो भारत में आने के लिए उतावले हो गए। इस तरह से विभाजन के पश्चात करीब 14.5 लाख आबादी जो है वो भारत एवं पाकिस्तान में पलायन करने लगे। सन 1951 की जनगणना के अनुसार करीब 7,22,900 मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर आने लगे। करीब 11.2 लाख जनसंख्या ने पश्चिम भारत में पलायन शुरू किया। पश्चिम भारत में मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र में, जो पंजाब की जो क्षेत्र है, पंजाब जो है उसमें पलायन करने लगे और इस क्षेत्र में जो जाने वाले जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या था वो हिंदू और सिखों की थी, जिन्होंने पंजाब की ओर शरण स्थान लिया। 5.3 लाख जो मुस्लिम थे भारत से पश्चिम पंजाब गए तथा 3.4 लाख हिंदू एवं मुस्लिम पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब आ गए। उसी तरह से सिंध प्रदेश के करीब 1.2 लाख हिंदू जो हैं और मुस्लिम जो हैं, जनसंख्या पूर्व एवं पश्चिम की ओर पलायन किया। पूर्व एवं पश्चिम की ओर पलायन किया मतलब पूर्वी क्षेत्र में पलायन किया, मतलब जो बांग्लादेश है, जिसे प्रारंभ में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, अब उसे बांग्लादेश कहा जाता है, इस ओर जाने लगे। भारत एवं पाकिस्तान की नई गठित सरकारें इतनी बड़ी जनसंख्या के पलायन करने से उत्पन्न जो समस्या थी उसको समाधान करने में सक्षम नहीं थे।
इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि बड़े पैमाने पर सीमा एवं दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में हत्याएं, हिंसा, लूटमार और जो बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो घटने लगी। लगभग अनुमान ये लगाया जाता है कि करीब 5 लाख से 10 लाख के जो बीच की हत्याएं हैं, जनसंख्या की हत्याएं होने लगी। इसके बाद जो राष्ट्र निर्माण की जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें जो पंजाब है उसका निर्माण हुआ, तो 1947 में भारतीय पंजाब सूबे का निर्माण हुआ। विभाजन ने पंजाब को पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी पंजाब में विभक्त कर दिया। पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा हुआ और पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, जिसे जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, पाकिस्तान के एरिया में है। विभाजन के पूर्व जो हिंदू, मुस्लिम एवं सिख पूरे पंजाब में निवास करते थे, विभाजन के बाद ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसके परिणाम स्वरूप पश्चिम पंजाब में रहने वाले हिंदू एवं सिख ने पूरी पंजाब की ओर पलायन किया। पूरी पंजाब की ओर पलायन किया मतलब जो पश्चिम की ओर जो हिंदू और सिख जो हैं वो बसे हुए थे वो पूर्व की ओर आने लगे। एक दूसरे की संपत्ति को लूटना और एक दूसरे की हत्या करना आगजनी जघन्य अपराध किया गया। उसके बाद बंगाल का विभाजन के पश्चात बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद बंगाल का जो निर्माण था वो प्रारंभ हुआ। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। जो पूर्व की जो बंगाल है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो बंगाल का हिस्सा हुआ, जिसका 1955 में नामकरण पूर्वी पाकिस्तान किया गया। 1955 में क्या किया गया? पूर्वी पाकिस्तान किया गया, जो 1971 में बांग्लादेश बना। पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो गैप है, जो दूरी है वो है। तो एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान है और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही दूर दूर है, बहुत ही अलग है, बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे बंगाल कहा गया, वो भारत में शामिल किया गया। पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा हुआ और पश्चिमी बंगाल वर्तमान का बंगाल है। इसके बाद जो सिंध प्रदेश है उसका विभाजन हुआ। तो विभाजन के समय पाकिस्तान के प्रदेश में 140,000 हिंदू सिंधी निवास करते थे, परंतु विभाजन के एक वर्ष के बाद बहुसंख्यक जो सिंधी समाज है, जो सिंधी जन समुदाय हैं, ने भारत का रुख किया, भारत की ओर आया, अपना घर संपत्ति सब छोड़कर भारत में आकर बस गए। करीब 20 लाख लोग हिंदू, मुसलमान तथा सिख ने सीमाओं को पार किया तथा अपने अपने गृह प्रदेशों को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो जाने लगे। यह आकलन सन 1941 तथा 1951 की जनगणना के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। उत्तरी भारत एवं अविभाजित पंजाब, अविभाजित पंजाब मतलब प्रारंभ में जब पंजाब पूर्वी और पश्चिम की ओर जब नहीं बटा था, जब एक ही था, उसके बाद तथा उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत करीब 12 लाख लोगों का रावलपिंडी हिस्सा के पश्चात पलायन के लिए बाध्य होना पड़ा। दिल्ली ने शरणार्थियों को एक बड़ी संख्या को बसाने के लिए स्थान दिया। जो शरणार्थी थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आए थे, अपनी संपत्ति, अपनी जगह, अपने घर को छोड़कर, उसको दिल्ली में शरणार्थी बनाया गया, उनको दिल्ली में बसाया गया। बाढ़ के कारण सन 1941 की जो जनसंख्या है 917.939 मिलियन से सन 1951 में 1744.072 मिलियन हो गई। दिल्ली में शरणार्थियों को दिल्ली के सैन्य एवं ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों, पुराना लाल किला, किंग्सवे के सैनिक छावनी क्षेत्रों में बसाया गया। किंग्सवे सैनिक छावनी में धीरे धीरे शरणार्थी की जनसंख्या बढ़कर 35,000 हो गई। पानीपत के पास कुरुक्षेत्र शिविर बनाने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की। दिल्ली में लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, निजामुद्दीन, रेहगर, जंगपुरा, किंग्सवे आदि स्थानों पर शरणार्थियों को बसाया गया और शरणार्थी के लिए शिक्षा संस्था और नौकरी तथा रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए।
भारत के अन्य क्षेत्रों में बसे शरणार्थियों के विकास की भी योजना चलाई गई। इस तरह से पाकिस्तान से आए हिंदू तथा सिख शरणार्थी दिल्ली एवं पंजाब के कई हिस्सों में बस गए। पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी पूर्वी भारत में बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में बस गए। कुछ शरणार्थी को अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें बसाया गया।